दिस वॉज वॉट यू कॉल नॉर्मल डे इन परमेल। चार बार तो मैं फिसल लिया आज ही, आज के दिन दो बार मैं पौड़ियों पे गिरते गिरते बचाऊँ। तभी बोलते हैं बारिश में चप्पल डाल के ना फिरो। अरे जो प्रो लोग होते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं। हाँ तो अभी तो जैसे स्लिप हुआ था ना, मुंह पे गिर जाता था। यहाँ दिखाइयो, यही पे एक शमशान घाट है, उधर शमशान घाट वहाँ भी पोस्टिंग हो जाती है। ऐसा करते हैं मैं तुमको उधर लेके जाता हूँ, साइट सीइंग कराता हूँ, आ जाओ। पोस्टिंग वहाँ पे हो जाती है। हम अभी आ चुके हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई के, फॉर आर फ्लाइट टू बैंगलोर। ये है हमारा मित्र किंशुक जगदेव। तो हम दोनों तो हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर अपने वापस वर्क फ्रॉम होम खत्म करके। हाइब्रिड आज इसका पायलट भी मैं ही हूँ। हाँ इसको प्लेन उड़ाने का बहुत शौक है, पर ये एयरबस 320 टाइप रेटिंग है अपने बस, पर ये कभी लैंड नहीं कर पाता, हमेशा क्रैश कर देता है। तो ऐसा पायलट है ये, इसको उड़ाना आता है बस। तो हम बैंगलोर जाएंगे आज, 4 बजे की फ्लाइट है। अभी बढ़िया जाके लाउंज में हम चिल करेंगे, अपना विस्तारा में जहाज है, बढ़िया बेस्ट जहाज है। चलो फिर आपको लाउंज में मिलता है। आज हम जा रहे हैं टैंगो नवंबर किलो एयरक्राफ्ट रजिस्ट्रेशन, एज है नियरली 5 ईयर्स। हाँ ये इसको पता है, पुराना है, पर चलता है। इसको ये सब बहुत ज़्यादा पता है, हम तो बस उड़ने वाले लौंडे हैं। हम तो एयरपोर्ट आते हैं, लाउंज में जाते हैं, खाना खाते, उड़ जाते हैं बस। अपने को इतना आता नहीं है, ये इनको बड़ा ज्ञान है। तो बहुत टाइम बाद ब्लॉगिंग करने का चांस भी मिल चुका है, तो इसलिए हम एक चैनल हमने आज हाईजैक कर लिया। हाईजैक ना बोलो, यहाँ पे थोड़ा कांड हो जाता है, गलत वर्ड है। तो अभी आपको दिख रहा होगा अदानी लाउंज, अपने अदानी मित्र बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इंडिया में, मोदी जी की ब्लेसिंग है उनके ऊपर। सो टुडे सिंस वी आर ट्रैवलिंग, हमारे पास कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी आज, तो आज यू हैव टू बेयर विद मी। आप बहुत ज़्यादा ज्ञान आज मैं पहल सकता हूँ। पहली बात ये हमारी सबसे पहली वीडियो है, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कोई नया करने के लिए, क्योंकि आपको हमें मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ, ये नहीं बता से आपको, चलो बता देते हैं, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलने वाला है आगे के दिनों में, अगर आप एक चीज़ करने वाले हो तो स्टे ट्यून्ड। अपने व्लॉग में पिछले 10 मिनट से ये लगाया कि लॉन्च में जा रहे हैं, लॉन्च में आ रहे हैं, तो फाइनली हम लॉन्च में आ चुके हैं। कैसे लग रहा है लॉन्च में आके? भाई मैं तो लाखों बार आ चुका हूँ, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। अब टाइम आ चुका है कि हम अपना बस्ता खोले, उसमें से लैपटॉप निकाले, क्योंकि कंपनी को पता नहीं कि हम घूम रहे हैं। अगर आपको ये बात पता ना हो, सो लाउंज में आने के लिए यू डोंट नीड एनी मनी। सो आपके पास बहुत सारे कार्ड हो सकते हैं, वीज़ा के या मास्टर कार्ड के, इवन आपके पास अगर लॉयल्टी मेंबरशिप है और ड्रीम फोक्स की होती है तो। एक पॉइंट मैं ऐड ऑन करूँगा कि आपको अगर आपके दोस्त के पास मल्टीपल कार्ड है, उसको पक्का अपने साथ लेके आए। हाँ जैसे फिलहाल हम आज काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, जहाँ पे हर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया में तो एटलीस्ट जाना चाहता है, विच इज़ बैंगलोर। क्योंकि वहाँ पे इकोसिस्टम तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। कई लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा करने की चुल होती है, तो उनको भी कुछ गाड़ी चाहिए, उनके भी हेल्प कर सकते हैं। एकदम वर्टिकली अपोजिट मेरे एक एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है, एयर इंडिया का A319। तब से पता नहीं क्या ही कर रहा है, ना कोई पायलट घुसा उसमें, ना कोई पैसेंजर जा रहे हैं, ना कोई स्काई ब्रिज है। तेरे को कैसे पता कोई जा रहे हैं? दिख रहे हैं वो, पेंटेड है वो, ग्लास वाला है, दिख रहा है। एक मिनट में आपको बताता हूँ ये बैठा कहाँ है। ये देखो ये यहाँ बैठा है और ये इधर है। इधर से कोई व्यू आ रहा है? नहीं, ये उधर जाना पड़ेगा तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं झूठ बोला आपसे, दिस इज द एयरक्राफ्ट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट, द A319 जो अब तक खड़ा हुआ है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। फाइनली इट हैज डिपार्टेड, पुश बैक होके जा रहा है। जो रेड कलर की आपको ब्लिंकिंग लाइट दिख रही है, जिस मीन ये अपना इंजन स्टार्ट करने की इसको क्लियरेंस मिल चुकी है, तो ये इंजन स्टार्ट कर रहा है अपना एयरक्राफ्ट। वी आर द लास्ट गाइस टू बोर्ड, एयरक्राफ्ट तो वापस खड़ा हुआ है, एयरक्राफ्ट बोर्ड कर लिया है। एंड एज यूजुअल मैंने फिर से अपना बोर्डिंग पास घुमा दिया था आज भी। तू रोज ही घुमाता है भाई, हर बार बोर्डिंग पास ही गायब कर देते हैं हम लोग। अरे इन्होंने एयर कंडीशनिंग स्टार्ट नहीं कर रखी है, मेरे को गुस्सा आ रहा है। जा भाई, गुस्सा आ रहा है उनको बोल के। हाँ
और बात यह है, बात यह है अभी तक इन्होंने फ्यूल भी नहीं भरा और 3:15 की बोर्डिंग थी ओके, और अभी जो टाइम हुआ 3:29 और फिर ये बोल रहे कि भाई फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल है, 3:15 की बोर्डिंग थी, 4 बजे का फ्लाइट है। तो क्योंकि हम लोग आ तो गए, रीज़न ये है कि मुंबई का आपको टेक ऑफ स्लॉट मिलना बहुत टफ है, टैक्सी में टाइम मिस कर दिया तो मिस कर दिया फिर आप 2-3 घंटे बाद की फ्लाइट उड़ती है, इसलिए जल्दबाजी का काम होता है। हाँ वो तो है, और ऊपर से आई मीन हाँ ये तो है कि हम जब आए तो मोस्टली सब आ गए थे, और आपको नज़ारा दिखाएंगे बाद में, विल ट्राई टू शूट टाइम लैप्स, बट देखते हैं मेमोरी नहीं है अभी तो Deploy from the panel above you. Remain seated and pull the mask down sharply to start the oxygen flow. Place the mask over your nose and mouth and breathe, assisting others. There are 8 emergency exits on this aircraft. There are 2 doors at the rear, 4 exits over the wings, and 2 doors in the front of the aircraft. Each main door is equipped with an evacuator. During evacuation, for your own safety and for the safety of others, you are required to leave your hand baggage in the aircraft. For more details, please... वी आर इन T2 बैंगलोर, काफ़ी अच्छी फ्लाइट थी, वे सारा ही मतलब आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छी फ्लाइट होगी उसकी, और क्या बाकी विस्तारा का इन फ्लाइट जो सिस्टम है विस्तारा वर्ल्ड, ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आई फाइंड, ये तुम भी मानते हो ना? हाँ, पर एक रूम भी एक मनी क्वेश्चन है जो हम सबको अब तक सता रहा है, वो ये है कि वेयर इज द बोर्डिंग पास, कहाँ पे गिरा वो? तूने दान दे दिया किसी को? दान दे दिया, बने रही हमारे साथ इस सीरीज में, अभी मोस्ट प्रॉब्ली आगे वाला कंटेंट आपको ज़्यादा पसंद आएगा, इस वो जस्ट ट्रायल रन, अगर ये चल गया चैनल इस वीडियो से तो अच्छी बात है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, और ट्राई करेंगे। तो ऑन दिस नोट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक दिस, शेयर, सब्सक्राइब, बाकी जो करना करो, डोंट ड्रॉप, गुड बाय।